गुड आफ्टरनून एवरी वन, मेरी वाइटी फैमिली कैसी है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगी। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था, बच्चों की छुट्टियाँ थी और बिल्कुल भी मौका नहीं मिला वीडियो बनाने का, क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है तो बहुत जो है ना टाइम बच्चों के साथ ही गुजर जाता है। कुछ तो तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि मुझे भी बुखार था, मेरे बेटे को भी बुखार था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो आज भी थोड़ी सी तबीयत ऐसी ही है। दुआ करिएगा कि मैं और मेरा बेटा जल्द से जल्द जो है वो सहतियाब हो जाए। तो मैं यहाँ बना रही थी आलू वाले राइस, जिसको तहरी बोलते हैं, तो हमारे घर में भी बहुत बनती है, चावल बहुत खाए जाते हैं। तो आज तो खैर काफ़ी दिनों के बाद बने हैं चावल, गैस तो बहुत कम आ रही है क्योंकि गैस जो है ना बहुत तंग कर रही है आजकल, गैस होती ही नहीं, बहुत मुश्किलों से घर के काम होते हैं, खासकर कुकिंग जो है ना बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है करना। तो मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। और जो लोग वीडियो को वॉच करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दिया करें। बेटी के लिए कर रही थी पानी गरम क्योंकि वो कह रही थी मम्मा पानी जो है गरम कर दे, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा है। तो यहाँ मैंने आलू, उसकी तबीयत भी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो यहाँ मैंने टमाटर भी कटिंग करके रख लिए थे, थोड़ी थोड़ी घर की सफाई भी की है, यूनिफॉर्म भी रेडी कर दिए हैं बच्चों के कल के लिए, ताकि जो है कल बच्चे स्कूल जा सके। आज है संडे का दिन, तो कल से बच्चों की रूटीन वही स्कूल शुरू हो जाएंगे, तो कल से बच्चे अगेन स्कूल जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्याज ब्राउन हो चुके थे, तो अभी हम इसके अंदर कर रहे हैं मसाले शामिल अपने। तो मसाले जो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ताकि अच्छे से मज़ेदार सी हमारी आलू की तहरी बनके तैयार हो जाए। यहाँ पर मैंने अपने सारे मसाले इसके अंदर शामिल कर लिए हैं, जिसमें मैंने लाल मिर्ची, हल्दी और गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक डाला है। तो बस अब इसे मैं भून रही हूँ, जैसे ये थोड़े मजीद और भून जाएगा तो फिर हम इसमें आलू ऐड करते हैं। पर मैंने अपने आलू कर दिए इसके अंदर शामिल, तो बस आलू शामिल करके मैं इसको भून रही हूँ। मैं जो है वो डालते हुए इसलिए नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि फिर एक हाथ से मोबाइल पकड़ना और एक हाथ से चीज़ों को इसके अंदर ऐड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए जो है पहले डाल के फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो बस ये फ्राई होते फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करते हैं। यहाँ मेरा पानी हो चुका था बॉयल और आलू भी गल चुके थे, तो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं चावल। तो बस अब ये चावल पकते हैं तो आपको इसका फाइनल लुक शेयर करेंगे। ऑलरेडी पहले भी बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ, तो बस आज मैंने कहा कुछ भी नहीं है क्योंकि गोश्त तो हमने बनाया नहीं और गोश्त बहुत टाइम से खा रहे थे और अभी बिल्कुल ही थक चुके हैं गोश्त खा खा के। तो मेरा नमक थोड़ा सा चावलों में कम था तो मैंने मज़ीद और ऐड कर दिया इसके अंदर। तो बस अब इसे हम पकने के लिए रख देते हैं, तो जैसे ये पकते हैं तो फिर आप सोते हैं। तो यहाँ पर देखिए चावल हमारे रेडी हो चुके थे, तो मैंने खाना लगा दिया, बच्चों को भूख लग रही थी और बस अभी खाना खाते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तो अभी बस खाना हम लोग खा चुके हैं और बस घर की भी देखें मैंने सारी सफाई कर ली है, सारे कमरे को मैंने समेट दिया है, आज जल्द से जल्द सारे काम निपटाने की कोशिश की है। तो बस कल के लिए बच्चों के ये देखें मैंने यूनिफॉर्म बिल्कुल रेडी करके रख दिए हैं, ये कल बच्चे पहनेंगे। और ये पूरे हफ्ते के यूनिफॉर्म भी मैं अपने बच्चों के ये देखें इस तरह से इस्त्री करके रख देती हूँ, तो ये इस तरह हैंगर करके, तो फिर बच्चों को जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है तो मेरे बच्चे पहनते रहते हैं। मैं पूरे हफ्ते के यूनिफॉर्म इस्त्री करके रख देती हूँ ताकि मुझे मुश्किल ना हो, क्योंकि मेरा बहुत छोटा बेबी है तो वो काम नहीं करने देता, तो इसकी कोशिश होती है
कि सारे काम जो है वो टाइम से पहले कर लिए जाएँ ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो। तो बस आज की छोटी सी मेरी शेयरिंग थी, बताइएगा आप सबको कैसी लगी। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और इसी के साथ आप सब लोगों से लेती हूँ इजाज़त। तो आज कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, मेरी शेयरिंग कैसी लगी। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।